सिक्किम में आपको इस देश में इस प्रकार के हरकतें हो रही है। हमारे देश में मुस्लिमों के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, सिख समाज के ऊपर में अत्याचार हो गए, क्रिश्चन समाज के ऊपर में अत्याचार हो गए, अल्पसंख्यक के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं। साथियों, हम लोगों ने कई सालों से, कई वर्षों से हम लोग इन लोगों के अत्याचार सह रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक मंच पे आना होगा, एक मंच पे आके हम लोगों को हमारी ताकत इकट्ठा करना होगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भीम सेना ये ऐसी एक ताकत बन गई है, इस ताकत के माध्यम से हम इन लोगों से लड़ सकते हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। साथियों, आज सिख समाज कितना भी एक हो जाए, क्रिश्चियन समाज कितना भी एक हो जाए, मुस्लिम समाज कितना भी एक हो जाए, दलित समाज कितना भी एक हो जाए, परंतु इन लोगों से लड़ नहीं सकता। हम लोग सब एक हो जाए, एक होने के बाद में हम लोग इन लोगों को सबक सिखा सकते हैं। साथियों, 40 साल से हम लोगों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। अब हमारा समय आ गया है, 40 साल से हम लोगों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। साथियों, अब ये नागपुर शहर एक पवित्र भूमि है, और इस पवित्र भूमि से भीम सेना सिख समाज, सभी समाज, अल्पसंख्यक समाज सब एक हो गया, और यही समाज की ये ताकत है, और ये ताकत आज यहाँ दिख रही है। साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज भीम सेना के बैनर के नीचे हम सब एक हो गए, और इसी तरीके से हम लोगों के ऊपर में कोई अत्याचार करेगा, हम सबसे पहले ये भीम सेना सामने आएंगी। जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कमलेश तिवारी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय एक होकर के उसको फांसी की मांग की जा रही है। आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आज की डेट में पाकिस्तान से भी यही नारे लग रहे, कमलेश तिवारी जिसने अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, और एक नारा उसने दिया है, उसको लेकर के नागपुर 2015 के अधिवेशन सत्र में भीम सेना और जमात उलमा हिंद के नेतृत्व में ये धरना निकाला जा रहा है, और कमलेश तिवारी की सीधे सीधे मांग की जा रही है। यूपी सरकार जिस तरीके से उसको एक हिफाजत दिया है, यूपी सरकार द्वारा उसको एक हिफाजत दी गई है, ये अब यहाँ पे धरना पे बहुत ही रूप से बोला जा रहा है। यूपी सरकार से बहुत ही आगाह किया जा रहा है कि यूपी सरकार कमलेश तिवारी को फांसी की सजा दे, लेकिन उसके पीछे देखना ये होगा यूपी सरकार इन धरनाओं के पीछे जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठी जा रही है, उस आवाज के पीछे कहां तक सफल होती है। कैमरामैन नवेद खान के साथ टाइम न्यूज, सलीम रहमान, नागपुर।